आज हमारी बैल्कनी में सुबह सुबह नए फूल आ गए, 1 2 3 4, ये 4 अभी आए। अभी रमजान एक और भी लेकर आ गया। ये कौन सा? ये मोर पंख बोलते ना इसको? नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा वाला है, उसकी शक्ल है लेकिन ये है दूसरा। ऐसे इतना ही रहेगा, यानी कि ऐसे फैलता जाएगा, फूल जाएगा ऐसा। हाँ, ऐसे फूल जाएगा। बाकी इसके अलावा मैंने ढेर सारे मंगाए इस तरह के पत्थर। मैंने बोला था कि ढेर सारे लेकर आना, बस ये 2 छोटी बाल्टियां लेकर आए। ये जो खाली जगह है ना, इनमें बीच में सारे मैं डाल दूंगी। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि साइड पर ना से ये व्हाइट पत्थर डाल दें तो बैल्कनी ना और प्यारी लगेगी। मेरे हस्बैंड को लगा कि थोड़े से पत्थर चाहिए। ये इसमें हम क्या लगाने जा रहे हैं, आप बता सकती हैं? इसमें स्ट्रॉबेरी लगेगी। स्ट्रॉबेरी के लिए है। स्ट्रॉबेरी हम तोड़ के ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश अफ्तार में इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन ना 1 बोरी या 1-2 बोरी आएंगी इन पत्थरों की। तो ये बीच वाली जितना भी है ना, ये सारा चारों तरफ ऐसा कवर हो जाएगा। और ये देखो गमले भी नए आ गए, अभी इनको कहीं सेट करते हैं। और ये जो है ना, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये भी, ये खराब तो नहीं हो जाएंगे निकाल के लगाने से? नहीं, कुछ भी नहीं, लगी रहेंगी। बहुत बड़ा होगा इसमें, आएंगी 2-2 3। उन्होंने बोले लगा सकते हो, लग जाएंगी घर पे। तो फिर कहाँ रखें? या तो यहाँ अच्छी लगेगी या वहाँ सामने लगाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट पे। और वो सामने ज्यादा धूप में खराब तो नहीं होती? इससे पानी बराबर दे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है और खैर खैर से। एक व्लॉग अभी एंड हुए और अभी मैं दूसरा व्लॉग अपना शुरू कर रही हूँ, वहीं से जहाँ पे एंड किया था। और अफ्तारी का भी टाइम हो रहा है, तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको अपनी बैल्कनी दिखा दूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा। हमारी बैल्कनी में ना स्ट्रॉबेरी भी लग गई है, तो चलो चलकर वो भी दिखाती हूँ। बस टाइम पूरा है। थोड़ी साफ सफाई हमारी बैल्कनी की अभी भी बच गई है। आज दिन में ही हमारे कुछ नए प्लांट आए थे। और ये देखो, एक तो हमारा ना ये वाला है, इसके देखो फूल कितने ज्यादा प्यारे पिंक कलर के है ना। ये इनका सीजन खत्म नहीं होगा, हमेशा इस पे लगते रहेंगे। देखो ढेर सारे इसके साथ और भी हैं जो अभी ना खिलेंगे, बाद में निकलेंगे। बाकी इसके अलावा ये वाला फूल भी आज ही आया है, ये देखो ये। और इसके भी फूल ना हमेशा खिलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। और ये वाला तो खैर पहले का है। अभी देखो उस दिन मैं आपको दिखा रही थी ना, और भी काफी सारे इसमें निकल आए। बाकी इसके अलावा ये वाला तो मैंने आपको दिखाया था, ये भी आज ही आया है, ये भी आज आया है, ये येलो रोज वाला, ये कहा गया। ओरिजिनल रोज होते हैं ना सच में, ये वाले रोज, क्योंकि ये तो ऐसे छोटे छोटे फूल है ना, इनकी खुशबू नहीं होती। इसकी जो खुशबू होती ना सच में बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा देखो एक ये वाला आया है, इससे जो पहले हमारा एक पॉट पड़ा हुआ था ना, वो टूट गया था ना यहाँ से, तो ये भी आज नया आया है। और ये फूल भी देखो, ये भी नए आए हैं और ये भी हमेशा खिलते रहेंगे, इसको भी कभी खत्म नहीं होगा। शाम का टाइम हो रहा है, ये इस तरह के जो हमने यहाँ पे रखे थे ना, वो पॉट टूट गया। ये वाला भी बहुत ज्यादा प्यारा है, इसका ना धूप में ना कलर देखने का है। ये वाले तो इतने माशाल्लाह प्यारे हैं ना, इस पे डेली नया फूल खिल रहे हैं, बहुत प्यारा है। ये अभी थोड़ा मुरझा गए हैं, ये वाले अभी थोड़ा मुरझा गए, लेकिन फिर नर्सरी से पता किया तो वो यही बोल रहे हैं कि ना इनको निकालिएगा मत, ये ना एक दफा पूरे खिलते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं और फिर इनमें दोबारा फ्रेश कुछ दिन तक निकलेंगे। निकलते जैसा ये है ना, इसमें फ्रेश हमेशा निकलते रहते हैं, तो ये थोड़ा टाइम बाद निकलते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा इनको नहीं लेंगे। ये वाले अच्छे थे। हमारी स्ट्रॉबेरी, और इसमें स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है? नहीं, इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं लगा हुआ। और ये भी स्ट्रॉबेरी है, इसमें देखो स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है। ये देखो एक, ये देखो ये लाल लाल हो रहा है, ये 2, और कहा है, बस यही है, 2-4 स्ट्रॉबेरी लगी हुई इसमें भी, देखो लगी हुई है, ये सारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई। इस तरह के मैंने बोला है ना, 2-4 और भी ऐसे लाइन से लगा देते हैं और उसमें सारा स्ट्रॉबेरी लगा दें। और क्योंकि अभी ना स्ट्रॉबेरी का सीजन भी है, तो अभी हम लगाएंगे ना तो होंगी ना स्ट्रॉबेरी, तो हम यहाँ से फ्रेश स्ट्रॉबेरी तोड़ा करेंगे। आए तो ऊपर आ जाओ। अलावा ये देखो, ये आया हुआ है हमारा नया, मेरी रानी आ गई। अरे मम्मा की शहजादियां, भाईजान तो नहीं गया था, सो गया था, इसको बिठाओ साथ दो। ये वाली जो नीचे वाली जगह ना, इस सारी जगह की क्लीनिंग होगी और उसमें हम रखेंगे ये देखो, ये व्हाइट वाले पत्थर, ये व्हाइट, ये इस तरह के। और बाकी इसके अलावा ये व्हाइट वाले पत्थर मुझे इतना ज्यादा अच्छे लगे हैं, और आ जाएंगे ना तो सारे हम नीचे वाली साइड पर ये सारा वॉश होगा, वॉश करके फिर यहाँ पर सारे व्हाइट पत्थर भर देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी इसके अलावा ये भी हमारा नया पौधा है, एक जैसा वो, एक वो रेड, एक ये वाला पिंक, और इसके अलावा ये छोटा सा, ये सेम है सारे ना। नहीं नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे थे, आपका होमवर्क हो गया? आपका खत्म हो गया था? नहीं, वो मेरा टेस्ट ले रही थी, मुझे याद हो गया था, वही कर रही थी। दोनों बहने अगले साल से रोजा रखना है? अगले साल तो हाँ, ये हाई फाई नहीं कर सकते, दूर है। बात करेगी।
पाँच साल बाद रोजा रखोगी आयत? जब आयत 10 साल की होगी तब रखेगी? आई ये लो आ जाओ, ये लो बस। और बाकी ये वाले ना इसमें तो बहुत ज्यादा फूल खिलने वाले हैं, ये देखो छोटे छोटे से ना। बालकनी हमारी फूलों से भरती जा रही है ना। यस मम्मा। और ये हमारी फूलों से भरी हुई बालकनी, मैं तो कहती हूँ और ढेर सारे फूल हो ना, फूल बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी इसके अलावा और भी कुछ प्लांट है वो नीचे पड़े हैं, कल यहाँ पर रखेंगे ना, तो फिर मैं आपको दिन में दिखाऊंगी। अभी थोड़ा शाम भी होगी ना, अंधेरा हो रहा है, तो ये ना सूरज की रोशनी में बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलो आ जाओ बच्चों, नीचे चलते हैं। पकोड़े नहीं खाने? पकोड़े नहीं खाने? ओ ये वाले फूल लग कितने ज्यादा प्यारे रहे ना, ये जो नए आए हैं। ये देखो ये हमारे सब्सक्राइबर अभी आए थोड़ी देर पहले, तो ये खजूर देकर गए हैं। ये देखो इनको ऊपर ही रख देती हूँ ना यहाँ पर। ये वाला हमारा वैसे पाटा खाली हो गया था, चलो अभी भर देते हैं इसको। बैठो तैयबा के सामने सारे फ्रूट पड़े हुए हैं। तैयबा को बस फ्रूट अच्छे लगे। की तरफ क्या बोलोगी? कौशर माँ बोलोगी? कौशर माँ, छोटी माँ बोलना। ठीक है ठीक है, साइड पर तैयारी हो रही है कौशर के घर जाने की, वहाँ पर चाय पकने वाली है आज। खत्म हो गया शहर के लिए तो नहीं बचेगा। फेस पे कुछ बना रही है? आपने सारा लोशन लगा दिया फेस पे? हाँ नहीं, लोशन लगाया हुआ है ना। चलो आज हम लेकर जा रहे हैं खाला को कौशर का घर दिखाने के लिए। खाला चलें आज आपको आपकी बेटी का घर दिखाते हैं। छोटी हो गई। आप छोटी हो गई हो? ठीक है, आप ही घर में सबसे छोटा बेबी हो। गाड़ी ड्राइव मैं करूंगी, सही है? छोटी गाड़ी खड़ी है बाहर, उसे आप। ठीक है आज चलें गाड़ी। ठीक है आ जाओ। ये नहीं जाएगा गाड़ी में, इतनी जगह नहीं, इसको इधर ही छोड़ो। नहीं तो आज गेट खोल दो, ये छोटी वाली गाड़ी साइड पे कर दो ना, ये मैं निकाल रही हूँ। ये भी देखो मुस्तफा को छोड़ने गया था आगे। ये भी देखो गाड़ी ड्राइव कर सकता है। एक मैं ही नहीं सीखी, मैंने इतना लेट कर दिया सीखने में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो काफी सीख गई हूँ। निकालूं गाड़ी? नहीं छोटी, छोटी पे नहीं जा रहे, मैं इसी पे ये वाली गाड़ी में ड्राइव करूंगी। छोटी पर सारे आ भी नहीं पाएंगे, सारे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं। कल से कौशर की अम्मी आई हैं और कल से कह रही हैं कि उनको ना घर देखना है अपनी बेटी का, उस साइड पर आओ उस साइड पर। तो उनको चलते हैं घर दिखाते हैं और सब्जियों को पानी भी देना, इतना ज्यादा धूप निकल रही है और पानी भी नहीं मिल रहा ना, जो सब्जियां उधर वहां उगाई हुई हैं। आराम आराम से जाने दो, चले बस स्टॉप। चलो चलो सब बैठ जाओ, बिठाओ सबको। हाँ हाँ बिठा रहा हूँ। चले फिर बैठ जाओ, खाना पीना हो गया, अफ्तारी के बाद चाय बनेगी, थोड़ी देर वॉक करनी है, बस बैठ गए सारे। पापा आप हमेशा मुझे चले। अभी फिलहाल तो ड्राइविंग अच्छी हो रही है। आप उस्ताद है, आप बड़े ड्राइवर है, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई मेरी मिस्टेक बताओ, सही लेकर आए? अभी तो फिलहाल नहीं है कोई मिस्टेक, रास्ता तो अच्छे तरीके से याद हो गया, पहुंच गए फाइनली। सही लगा ये गाड़ी? सही है, पता नहीं था को ले आई हूं, को ले आई 80% 80% यकीन हो गया है, तो देर है जब तक आप रिवर्स नहीं सीखेंगे। हाँ ये है कि मुझे अभी ना पार्किंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी जैसे खुली खुली पार्किंग होती है वो तो मैं आसानी से लगा सकती हूँ, जहाँ पर इतनी सी जगह होती है ना बीच में लगाने के लिए, वो मैं अभी तक नहीं सीखी, वो मुझे थोड़ा टाइम लग, वो मुझे वैसे आप क्लास दो ना। और एक बात बताऊँ, जहाँ से मैंने ये क्लासेस ली थी ना, उन्होंने भी मुझे ये चीजें नहीं सिखाई थी, उन लोगों ने सिर्फ मुझे रोड पर ना गाड़ी चलाना सिखा दी है, रिवर्स और ये चीजें, सीधा सीधा वो सिखा के भागने वाली करते हैं, उन्होंने बस भाग के ये बाकी सारा कुछ मैं अपने दिमाग से असल रिवर्स होता है, वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो चलो अभी चले। आयत को लगता है पीछे नींद आ गई, आवाज ही नहीं आ रही। ये देखो सोई हुई है अंदर, उसको नींद आ गई, वो जो अपना टेडी लेकर है उसी पे सर रख के सो गई है। कौशर के घर पे सबसे पहले खाला को घर दिखाते हैं। खाला देखे खोले, और खाला आपने बताना है कि घर कैसा है आप? हाँ अच्छा है, दिखने में लग रहा है ना कैसा है घर, माशाल्लाह। चले अंदर चले अंदर, दूसरे रूम भी है वो भी देखे, किचन है। कौन बेल दे रहा है? तैयबा नहीं करो अम्मी को, ये साथ में किचन है, धो के रख के गए थे ना वैसे के वैसे पड़े हुए। ये हो गया हमारी चाय का दूध, लाइट ऑन कर दे। ये वाला कमरा है,
इसमें खाली कारपेट लगा हुआ है। सबसे कह रही थी कि मुझे कौसर के घर जाना है, आती सो गई है। दूसरा कमरा, अभी आपको सब्जियां भी दिखाते हैं। आपकी बेटी ने देखे इतनी सारी सब्जियां उगाई हुई है घर के पीछे। सब्जियां के घर में ना हमें सब्जियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रूम से आ जाए, सब्जियां देखते हैं। ये पीछे सारी ये सब्जियां लगाई हैं, टमाटर है, हरी मिर्ची, कद्दू, हरी तुरी। अच्छा, आप ये आते ही अपना सामान वामान सेट करके रख रहे हैं। ये बैग वैसे भी जरूरत पड़ने वाला था, इसमें है सारे बिस्तर छोटे बच्चे के। आप क्या करने आई हो यहाँ पर? चाय पीने? सब्जियां देखने? हाँ, खाला को दिखाई है सब्जियां। अनीता पिलाई, अनीता चाय पिला रही है, बाहर चले ढाबे पे चाय पीने। आप बताओ कहाँ चले? कौसर बताओ, दिल कर रहे हैं। खाला इधर घर की चाय पीनी है बाहर होटल की? घर की खाला कहती घर की चाय। ये कुशन तो बिल्कुल मैच हो गए हैं, है ना, अच्छे लग रहे हैं। उसे सही एक दो इसके कलर ना, ये जैसा कारपेट है ये भी वैसे अच्छे लग रहे हैं। सर के ना ये वाले जो बर्तन है ना, मुझे किसी ने कमेंट किया कि कौसर से पूछना है कहाँ से खरीदा है। ये सबको तुम्हारी स्टील वाली पतीली बहुत पसंद आई, याद है? ये वहीं से? अच्छा, ये तो हमारे गांव वाले सिटी से, अहमदपुर का। कह रहे थे ये स्टील वाली जो ये पतीली है ना, ये बहुत अच्छी है, ये पूछना कहाँ से लिए। ये तो कौसर को भी नहीं बता अभी, अभी तो ये ये साजिद को बता दो, उसे पूछेंगे कौन से स्टोर पे ले गया था। ये देखो सर, ग्लास का है ऊपर पीली, लेकिन बहुत अच्छी है इस तरह की। ये आपने कौन से स्टोर से लिया है? रेनबो स्टोर से। रेनबो स्टोर से? अच्छा, तो जिसको भी लेना है ना, ये रेनबो स्टोर से हमने लिया बहरिया में। रेनबो स्टोर में भी बर्तन बहुत अच्छे हैं, वजनी अच्छी मिल गई। किसी को भी लेनी हो तो रेनबो स्टोर पे मिलेगी। और बाकी यहाँ पर अनीता बना रही हम सबके लिए चाय, चाय पीते हैं। और आज जो ना हम सोच रहे हैं ईद के कपड़े, ईद के कपड़ों की भी शुरुआत करें। बहुत सारे काम है, कौसर ने भी शॉपिंग करनी है, मैंने भी करनी है, अभी से सिलने के लिए देर है। हाँ तो का बंद हो जाए, अगर सिलवाने हैं तो फिर जल्दी सिलवाना पड़ेगा ना, देर से लोगे तो मैं खुद सीना। वही मैं कह रही हूँ ना, अभी हम ले लेते हैं। नहीं हो कि ये लेकर, इसको बोलते क्या? कसी। कसी बोलते हैं, और हमारी जबान में क्या बोलते? कही। हमारी जबान में इसको कही बोलते, उर्दू में कसी। तो मैं हैरान हूँ कि ये आप ले आए हो जमीने बनाने के। तो कमालात थे, पहले एक पहले ले आए थे वो फेल हो गए थे, फिर ये दोबारा ये पड़ी हुई है। जरा मुझे उठाने दो ये कस्सी का, कैसे लेके? ये तो मेरे नाना बा वाली कस्सी लग रही है। वो भी सब्जियां उगाते थे ना, तो हमेशा ऐसे यूं रख के जा रहे होते थे। ऐसे करके चल रहे होते थे, कस्सी यहाँ पर होती थी और कह रहे मैं जा रहा हूँ जमीनों पे, आऊंगा शाम को। जंग लग रहा है, थोड़ी सी जमीन बनाने के लिए आप पूरी ये कस्सी लेकर आ गए हो। ये नेक्स्ट टाइम भी काम आएगी ना, गार्डन बनाने के भी काम आएगी, ये बहुत से काम आएगी। भी आ गई, अब वो दराती भी लेंगे। क्या लेंगे? दराती। वो कौन सी थी? वो जो घास काटने वाली है। अच्छा। यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर आ गई है, रख दूं? और बस अभी चाय पी लिया, मुस्तफा का भी टाइम हो गया है। अभी खाला जब कौसर का बेबी हो जाएगा ना, फिर घर में रौनक लगेगी, है ना। अभी थोड़ा घर ना ऐसा खाली खाली लगता है, जब कौसर का यहाँ बसेरा हो जाएगा ना, बच्चे की चीं चीं की आवाजें होगी, कभी कपड़े कहाँ फैले होंगे कभी कहाँ, तो फिर थोड़ा घर में ना रौनक लगेगी। अभी थोड़ा घर खाली खाली लगता है, बस आते हैं चाय वाय पी के फिर चले जाते हैं। चलो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, मुस्तफ़ा का भी टाइम हो गया है। हम जाएंगे यहाँ से सीधा मार्केट, नहीं मुस्तफ़ा को लेना, फिर मैं सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ अपना ईद का सूट देखने के लिए, कि अभी से देख लूँ, फिर बीच में कौसर की डिलीवरी का भी डेट का पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है ना कि बीच में कभी भी जाना पड़ जाए, तो ये सारे काम हम पहले से करके रखें। अब बताओ, अब आपको कैसा लगता है? यहाँ से तो मदर बैठती है, अपने बच्चे को संभालती है। माए ना यहाँ से बैठती है आगे फ्रंट सीट पे ना, हस्बैंड के साथ। हाँ, ईद की शॉपिंग करने चले या घर चले? घर चले। हम पहुँच गए मुस्तफ़ा की एकेडमी के पास, मुस्तफ़ा को लेने के लिए। इन्होंने अभी तक संभाला हुआ है माओ की तरह आयत को। भेज दे मुस्तफ़ा को। हाँ जल्दी से आओ, पीछे तो गाड़ी फुल है, डिग्गी में जाना पड़ेगा। सही बात है, ख्याल से गाड़ी लगा दो। क्यों गाड़ी ले रहे हो मुझसे? आपसे नहीं लगेगी। अभी हम पहुंच गए मार्केट, यहाँ पर रश इतना ज्यादा है कि गाड़ियों की पार्किंग ना, ये देखो ऐसा झुरमट मचा हुआ है ना कि यहाँ पे मैं गाड़ियों की पार्किंग मिल नहीं रही, और मिल रही है ना इतनी कम जगह पर, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल टास्क है। ऐसा नई गाड़ी है, कहीं पर कुछ लगा ना दूं तो ये पार्किंग खुद लगाएंगे। ये ना बीच में मुझे थोड़ा सा ट्राई करूं तो वैसे लगा सकती हूं,
लेकिन मुझे थोड़ा सा ना अभी डर भी है कि नई गाड़ी कहीं नुकसान ना हो जाए। कैसी लगाई है गाड़ी मैंने? सही लगाई है। और बाकी सबको हमने घर छोड़ दिया है, जल्दी जल्दी मैं गाड़ी ड्राइव करके यहाँ पहुँचूँ, टाइम ज़्यादा हो रहा था, मैंने सोचा बंद ना हो जाए। तो हमने रमज़ान के कपड़े सिलवाए थे कि ऊपर से अब ईद के कपड़े भी आ गए। देखो साड़ी बनी हुई है, साड़ी पहन लूँ मैं ईद पे? साड़ी ये देखो, ये लाइन से ना सारी साड़ियाँ लगी हुई, ये ब्लैक कलर की साड़ी आई हुई है यहाँ पर, ये वाइट कलर का सूट आपके लिए ना कपड़ा लेते हैं, आगे चलते हैं। और ये देखो जो ब्लैक लवर हैं, सारा ब्लैक आया हुआ है। मेरे ख्याल से इससे फिर ये वाला अच्छा लग रहा है। क्या है ये मारिया बी की सीढ़ी लेस? यहाँ पर जो है ना हमने ढेर सारे कपड़े देख लिए और इतने सारे देखो खुलवाए, इसमें से दो मैंने पसंद किए। तो आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि ना ईद के कपड़े मैंने इतना जल्दी खरीदे हैं, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है ना। आप बताओ आज मैंने अच्छा आपको घुमाया है और ना ही मैंने कोई ब्रांड वाले कपड़े लिए, ये बताओ मुझे। आज ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं एक ही शॉप पर गई हूँ, एक ही शॉप से मैंने कपड़े लिए, एक सूट मैं ले आई हूँ और एक सूट डाई कराना था और वो कल नहीं परसों उठाना। ईद पे ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कपड़े ना सिले सिलाई नहीं ले रही, स्टिच नहीं ले रही, मैंने कपड़ा लिया और कपड़े लेकर ही स्टिच कराऊंगी। सरप्राइज है कौन सा कलर पहनूंगी ईद पे, वो सब आप ईद पे ही देखिएगा। पहले दिन का और दूसरे दिन का लिए, दो दिन का लिए, तीसरे दिन का मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी बस यही बहुत है, बस सही है बहुत है। और ये देखो हम पहुंच गए घर, घर पहुंचते ही ये तीनों सो गए ऐसे लाइन से, ये मुस्तफा, ये आयत और ये देखो तैयबा को तो होश ही नहीं। और ये रूम बंद है, कौसर और उसकी अम्मी भी सो गए, दोनों सो गए, नुबिता यहाँ बाहर अभी तक जाग रहा है। तो सबसे पहले मैं उठाती हूँ आयत को। और अब मैं आई हूँ आखिर में झूला झूलने के लिए यहाँ पर अपनी बालकनी में। आज देखो इस साइड पर चांद दिख रहा है, ये रहा सामने चांद। और कल जो है ना मैं इस साइड पर ऐसे झूला झूल रही थी ना, तो चांद भी इस साइड पर ढूंढ रही थी और चांद देखो इस साइड पर आया हुआ है, ये देखो पर्दे के बीच में से। तो ये सामने से चांद दिखता है और पास ये हमारी प्यारी सी बालकनी, इसमें बैठ कर आराम से अपना चांद देखते रहो। कहते हैं 5 मिनट रहते हैं और जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया, जल्दी जल्दी चाय पी रही थी, अभी टाइम देखे पूरा 1 घंटा बाकी बचा हुआ है। 4:50 पे बंद होते हैं और मैं 3:50 पे मैंने खाना शुरू कर दिया कि ना बस अभी बंद होने वाला है, 10 मिनट रह रहे हैं। सुबह उठने में थोड़ा टाइम लग जाता ना, मैंने सीधे मैंने कहा जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने वाला है। अभी देखा टाइम क्या हो रहा है, टाइम